वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट पे स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग की डिमांडिंग वीडियो थी कि मैं NTA नेट DSSB KVS NVS जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट होंगी, ऐसे दो तीन बार मुझे कॉमेंट आ चुके हैं। तो एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ बुक से रिलेटेड, अगर आपने अभी तक वो बुक वाली वीडियो चेकआउट नहीं की है तो चेकआउट कर ले। और जो बुक वहाँ मैं दी थी वही बुक यहाँ भी है, बट कुछ बुक को मैं और भी ऐड की हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है NTA नेट और KVS के लिए, NVS कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो NTA नेट आप लोग को मालूम है कि UGC नेट में हमें ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है रादर देन के KVS में। KVS में हम एक दो बुक भी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, बट NTA नेट ऐसा नहीं है। UGC नेट के लिए आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना है। तो ये पहला बुक है जो मैं रिपीटेडली बार बार कह रही हूँ कि एडिथ तोमरी की बुक है, ए हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स इन इंडिया एंड द वेस्ट। ये बुक ऑनलाइन अमेजोन पे भी अवेलेबल है। अगर आप जहाँ भी हैं कहीं भी हैं, अगर आप परचेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके नज़दीकी शॉप पे नहीं अवेलेबल है, तो आप अमेजोन से इस बुक को परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 650 से 700 के अंदर आपको ये बुक मिल जाएगी। ये बुक NTA नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात आप लोगों को कह देती हूँ कि ये बुक को अगर आप स्टार्ट से लेके अगर एंड तक आप पढ़ लेते हैं तो इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका JRF क्लियर हो जाएगा। बट आपको अच्छे से पढ़ना है एकदम लाइन बाय लाइन। और एक बुक है कंटेम्प्रेरी आर्ट ऑफ इंडिया लेके, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं NTA नेट के लिए बस दो ही बुक सजेस्ट करूँगी, एक तो एडिथ तोमरी की ये वाली बुक और दूसरी ये बुक कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया ए परस्पेक्टिव प्राणनाथ मांगो। ये बुक है प्राणनाथ मांगो के द्वारा लिखा हुआ, ये भी अमेजोन पे अवेलेबल है और इसकी दाम बहुत ही कम है, 300 to 400 ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद है, बट 400 के अंदर ये बुक आपको मिल जाएगी। और ये बुक की खास बात ये है कि ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जो हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, समझ में नहीं आती है, वो इंग्लिश बुक परचेस करें, और जिन्हें इंग्लिश में असुविधा होती है वो हिंदी बुक परचेस कर सकते हैं। दोनों की कॉस्ट वैल्यू 50-100 रुपये का अंतर होगा। आई डोंट नो, आई हैव बॉट द इंग्लिश बुक एंड आई रीड फ्रॉम द इंग्लिश बुक एज वेल, सो दैट प्राइस विल बी आई थिंक 350 or 400। मे बी आई बॉट 2 years बैक, सो मे बी दिस टाइम दिस बुक विल बी लिटिल बिट एक्सपेंसिव। बट ये दो बुक जो है कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया और एडिथ तोमरी वाली बुक, अगर ये दो बुक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका JRF क्लियर है अच्छे से, और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने भी यही दो बुक को फोकस की थी। अब हम बात करेंगे KVS NVS DSSB के एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो बुक आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, ये क्लास 11-12 के बच्चों के लिए होती है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपने KVS के एग्ज़ाम दिए तो आपको भी 6, 7, 11, 12 ऐसे बच्चे को आप लोग को दिया जाता है पढ़ाने के लिए। तो इस बुक यही बुक का सिलेबस है। अगर ये बुक आप KVS के लिए खरीदेंगे तो 100% वर्क करेगा। 100% नहीं बोलूँगी, एक दो क्वेश्चन इधर उधर से भी आते हैं, बट हाँ 90% बोलूँगी, 100% थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा कहना। तो KVS के लिए ये बुक आप लोग परचेस कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। ये जो है KVS के सिलेबस का है, KVS का 11-12 का जो बुक होता है उसी का सिलेबस है, और KVS में वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाती है। देखिए 12 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि 12 का बुक है। तो ये आपका KVS के लिए बहुत ही हेल्पफुल करने वाला, और बहुत सी पतली बुक है, आई थिंक 100 या फिर 120 पेजेस हैं, तो 100-120 पेज पढ़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, आप एक महीने में भी ये बुक को ख़त्म कर सकते हैं अच्छे से। तो जाइए बुक परचेस कीजिए और जो भी जॉब जो भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं क्लियर करें। एंड देन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही रिनाउंड राइटर हैं, डॉक्टर रीटा प्रताप, और इनकी अधिकतर ही बुक हम हिंदी में ही देखते हैं। तो इनकी बुक का नाम है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। डॉक्टर रीटा प्रताप जो है राजस्थान से बिलोंग करती हैं, तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो KVS हो, चाहे वो NVS हो, या फिर DSSB हो, UPTGT, मतलब कोई भी एग्ज़ाम फाइन आर्ट का हो, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बुक आपको हिंदी में अवेलेबल है। तो जैसा कि मैं वीडियो भी बनाती हूँ तो मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मैम वीडियो को हिंदी में दीजिए, मैम वीडियो को इंग्लिश में दीजिए, तो हिंदी वाले के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। एंड देन ये नेक्स्ट बुक है भारतीय मूर्ति शिल्प एंड स्थापत्य कला, इनके राइटर है मीनाक्षी कासलीवाल भारती। इस बुक की भी कीमत ज़्यादा नहीं है, 300 है। तो ये बुक भी आप लोग परचेस कर लें, ये भी आपको KVS NVS DSSB सभी में हेल्प करेगा।
बट ज़्यादातर जो है एनटीए नेट के लिए अगर आप देखें तो ये यहाँ पे भी सेम चीज़ मिलेगा, और आपको जो मैं एदित तोमड़ी वाली बुक के बारे में बताई हूँ वहाँ भी सेम चीज़ ही मिलेगा। इसमें भी आपको ज़्यादा सही नहीं मिलेगा, ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगा, बट आपको एदित तोमड़ी में ज़्यादा डिटेल में चीज़ें मिलेगी। तो ये बुक मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूँगी KVS NVS DSSB भी किसी भी जॉब एग्जाम के लिए। और NTA नेट के लिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप प्राणनाथ मागो और एदित तोमड़ी की बुक परचेस कीजिए, और साथ में 10 साल के पुराने पेपर सॉल्व कीजिए, दैट्स इट। अगर ये तीन काम आप लोग कर लेते हैं थोरली तो आपको JRF नॉट ओनली नेट बट आपको JRF लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो मैं फिर टेस्ट पेपर आप लोग के साथ बहुत जल्दी लेके आऊँगी, जिसमें हम ब्रुनेलेस्की, टिंटोरेटो और फ्राएंजेलिको, ये तीन सब्जेक्ट, तीन टॉपिक मैं आप लोग को क्लियर कर चुकी हूँ, तो इस पर मैं टेस्ट पेपर बनाऊँगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा। फिर ये बुक है आप लोग का कला के लिए, इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पसंद करते हैं उनके लिए ये बुक सही है। वो सारे बुक जो थे वो पूरा ही सब्जेक्टिव है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, उसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा शुरू से लेके अंत तक। बट इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आप ये बुक परचेस कर सकते हैं अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़नी अच्छी लगती है तो। और ये जो है NVS के लिए प्रॉपर बुक है, तो ये आप लोग सभी चीज़ के लिए खरीद सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मिसलेनियस हो, इसमें आपको सब चीज़ मिल जाएगा। और अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक ऐसे ही है, लाइक अजंता पेंटिंग को कोई रीड करना चाहते हैं या फिर विजुअल आर्ट को कोई रीड करना चाहते हैं तो ये बुक ऐसे ही है आपके इनर नॉलेज के लिए। अगर आप ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो ये सारे ही बुक आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ये बुक का एग्ज़ाम से ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोग की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ गो थ्रू फाइन आर्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।